नगम क्षेत्र बिरसा नगर शाहपुर के एसएलए पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि डाल्टनगंज भदरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ज्योति पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष शशिभूषण पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि आज देश के बच्चे एवं अभिभावक परीक्षा के समय परीक्षा के टेंशन लेकर दबाव में, इसे कम करने के लिए देश भर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। आप जो भी कार्य करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए व ध्यान देकर बड़े विश्वास के साथ सब काम को करिए। उन्होंने इसी विश्वास के बल पर बच्चे सफल होकर अपने माता पिता सहित देश का नाम, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री के सोच को बच्चों में विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल पर मधु अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक मुकेश अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुदेश्वर चौधरी, दिनेश यादव, रामकरेश चौरसिया, अमलेश चौरसिया, गुलाब भुइया सहित और आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी मौजूद। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ये तमाम 4-5 सालों के अंतर में जो परीक्षा के समय होता है और परीक्षा के समय आने के बाद जो हमारे बच्चे के ऊपर और अभिभावकों के ऊपर जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस माइंड पर टॉर्चर को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अच्छा कदम उठाने के काम किया है, आज उसी का देर है कि हम तमाम लोग आप बच्चों के बीच में उपस्थित होकर आप सबों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए हम तमाम लोग परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथियों, आप सभी लोग जान सकते हैं कि अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक कितनी अच्छी सोच है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं सोचा हो। देश आजादी जो 75 बरस हो गया, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ अपने क्षेत्रीय विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हो, राजनीति के पद से हटकर कोई ऐसे सामाजिक संस्था हो, हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया गया है कि जो बच्चे हमारे 10th क्लास का है, 11th क्लास का है, 9th क्लास का है, कोई भी क्लास का बच्चे, हर बच्चे के लिए एग्जाम आता है, चाहे वो 0 क्लास से लेकर हो 11th क्लास तक। हर बच्चे के मन में प्रेशर बनता है कि हमको अपने स्कूल में टॉप होना है, हमें अपने क्लास में टॉप होना है, अपने बच्चों के बीच में मुझे 1 नंबर बनकर दिखाना है। तो ये तमाम प्रेशर को हमारी मोदी जी की सोच आप तमाम लोगों के साथ चलकर उसे कम करने की जो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उस सोच के बीच में हम तमाम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए और हम तमाम लोग क्योंकि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, हम भी एक दिन आपके जगह पर खड़े थे, वहीं से पढ़कर वहीं से लिखकर आज इस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग भी कहीं से किसी स्कूल में पढ़ाई किए, किसी कोचिंग संस्था में पढ़ाई किए और इसके बाद इस जगह पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परीक्षा पर और परीक्षा देने का जब समय आता था, एग्जाम का जब समय आता था, तो हम लोग को भी प्रेशर बनता था और हम लोग को भाई उस समय तो बहुत तरह मास्टर लोग हम लोग को पीटता था, तो पीटने का प्रथा खत्म हो गया है। और मास्टर लोग पीटते नहीं है किसी को, समझाते हैं पढ़िए नहीं पढ़िए जाए तो भाई अपना भविष्य अपने देखिए। लेकिन पहले क्या होता था कि मास्टर लोग घर से उठा कर ले जाते थे और घंटा से पीट कर पढ़ाते थे। तो ये परिस्थिति बदली, अब कुछ न कुछ परिवर्तन होने जा रहा है दिन प्रतिदिन और इस परिवर्तन में हमारे बच्चे का माइंड भी कम से कम मजबूती से काम कर रहा है। हमारे बच्चे का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं पहले के तुलना में, आज के तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और हमें लगता है कि इस चीज में हम सभी को बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आज जो कार्यक्रम हम लोग किए हैं, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हेरिटेज स्कूल में भी हुआ, भीमराव पांडे मेमोरियल स्कूल में भी हुआ, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आज आप ही स्कूल को हम लोगों ने क्यों चुना, क्योंकि शाहपुर चैनपुर का ये स्कूल है और हम लोग को लगा कि वैसे क्षेत्रों में हम लोग कार्यक्रम करेंगे जहाँ के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गाँव कस्बों से आते हैं और गाँव कस्बों में शिक्षा के स्तर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे हम अपने
बच्चों को कैसे शिक्षा के प्रति उसको जागरूक कर सकते हैं, तो इससे कहेंगे कि हम लोग को अपने आप में महसूस होगा कि जो शाहपुर में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो इस शाहपुर के कार्यक्रम में इस अगल बगल के जो गांव है, अगल बगल का जो टोला कुहला है, वहाँ से आने वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिलेगा। और हम इस चीज़ को कह सकते हैं आप लोगों के बीच में कि अपने प्रधानमंत्री जी के जो सोच है उस सोच को जरूर अभ्यास करने के काम करें। आप तमाम लोग इस परीक्षा में, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे 11th का परीक्षा हो, चाहे 8th का परीक्षा हो, या जो भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पर फोकस करना है, एग्जाम पर फोकस करना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है, उस पर अधिक से अधिक फोकस करें ताकि हमारा दिमाग कहीं और न भटके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ के इधर है और दिमाग किसी और भटक जाता है, उससे कहीं ना कहीं वो एग्जाम में या तो फेल कर जाते हैं या तो अच्छा मार्क्स नहीं आ पाते हैं। उधर से उनके माता पिता का भी प्रेशर बनता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, और इधर से स्कूल का भी प्रेशर बनता है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का एक ही मतलब है कि आप तमाम लोग परीक्षा में बेहिचक, बेटेंशन और बिना कोई सोचे समझे अपने दिमाग से और अपने कार्य शैली के बदौलत आप अपने आप को बदल सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपना पहचान, समाज में अलग पहचान, परिवार में अलग पहचान, स्कूल में अलग पहचान, और स्कूल में बच्चों के बीच में हमें तो लगता है कि आज के बच्चों के बीच में एक होड़ होनी चाहिए कि हम अपन एक दूसरे से कमजोर नहीं है, हम एक दूसरे से कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं। अगर इस चीज को अगर हम लेकर चले तो निश्चित तौर पर कोई बच्चा फेल नहीं होगा, हमारे सारे के सारे बच्चे पास होंगे। और इसलिए अगर ये प्रधानमंत्री जी को सोच है कि हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश अब दिन प्रतिदिन एक अलग रुतबा की ओर बढ़ रही है, हमारा देश अब दिन प्रतिदिन एक अलग विकास कार्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग किससे उम्मीद रख सकते हैं? हम लोग आने वाला जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला इस देश का भविष्य है, आने वाला इस देश का कल है, तो हम उन्हीं लोग से उम्मीद कर सकते हैं कि जो देश हमारी बदल रही है उस देश को बदलने में आपका भी सफलता होनी चाहिए, आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। और उस भागीदारी में भी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, आप इस देश के प्रति और अपने कलाओं के प्रति किसी भी क्षेत्र में अपने कला, चाहे कोई भी कला हो, खेल की कला हो, पढ़ाई लिखाई की कला हो, रेसिंग की कला हो, या किसी भी कला में अगर आप जा रहे हो तो उस चीज में आप बड़ी मजबूती से ध्यान दीजिए और बड़ी विश्वास के साथ और बड़े उम्मीद के साथ उसमें अगर आप कार्य करेंगे तो हमें लगता है कि आप तमाम लोग अपने नजरियों अपने माता पिता के नाम के रोशन करने के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन करने के काम करेंगे। और इस देश की भविष्य और इस देश की आप तमाम लोग पूंजी हो, विश्वास हो, देश के आने वाला कड़ी हो, कल हो, इस चीज का आप लोग बारीकी से ध्यान सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग ऐसे कार्यक्रमों में बहुत समय से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक पेंटिंग कराना, क्यूज कराना, प्रतियोगिता कराना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलने जुलने का हर लोग जैसे व्यक्ति को एक कार्यक्रम है। और आपके पास आने का क्या बहाना बना, आप लोग से मिलने का क्या बहाना बना, तो बस यही बहाना बना कि पेंटिंग प्रतियोगिता रखिए और उसके माध्यम से बच्चे को बीच में जाकर सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उस सोच को अपने बच्चों को बीच में विकसित करने और प्रकाशित करने के काम करें, ताकि उन बच्चों को लगे कि हमारा देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रही है, उनके सोच के नेतृत्व से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उनकी जो काल्पनिक सोच है, आने वाला 20-40 वर्ष का सोच है उनका कि हमारा देश का बच्चा और मजबूती से आगे बढ़े, जैसे बड़े बड़े देश अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, रशिया हो गया, ऐसे देश के जो बच्चे हैं उसके तर्ज पर हमारे देश के गाँव से उठकर बच्चा अपना देश का नाम रोशन करने के काम करे और देश के भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने के काम करे। इस कल को लेकर आज आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इन परीक्षा पर चर्चा का माध्यम है कि बच्चे को परीक्षा के समय प्रेशर ना हो, बच्चे को परीक्षा के समय कोई टेंशन ना हो, टेंशन फ्री अपने आप परीक्षा देने के काम करें। क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम अभी आने वाला है, फिर 11th का भी एग्जाम आने वाला है, फिर आपका 9th का भी एग्जाम आने वाला है, तो इस प्रेशर को बचने के लिए, इस प्रेशर से बच्चों को हटाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि
कोई भी समस्या अगर आपके बीच में, कोई भी कार्य अगर आपके बीच में रुकावट बनता है, उसे आप कुछ देर के लिए पीछे छोड़ दीजिए और अपने भविष्य को आगे रखने के काम करिए, और अपने माता पिता का जो कहा हुआ कार्य है उसको आप आगे रखने के काम करिए। आप जरूर आगे बढ़िएगा, आप सोच